लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के तहत आज 9 राज्यों में 72 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण के साथ ही महाराष्ट्र और ओडिशा में आज चुनाव संपन्न हो गया। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में अगले चरण के तहत चुनाव होगा। आज कई बड़ी फिल्म हस्तियों ने भी अपने अपने मतों का इस्तेमाल किया, जिनमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त, आमिर खान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने परिवार सहित मतदान किया। रियासत जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत कुलगाम जिले में भी आज मतदान हुआ। अनंतनाग संसदीय हलके के कुलगाम जिले में आज सख्त सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। कुलगाम जिले में कायम किए गए 433 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखा गया था। अनंतनाग संसदीय हलके के विस्थापित कश्मीरी मतदाताओं की सहूलत के लिए अलग अलग जगहों पर विशेष मतदान केंद्र बनाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के भाषणों में सेनाओं के जिक्र को लेकर कुछ दिन पहले विपक्षी नेताओं ने आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने बाद में अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। झारखंड के कोडरमा में मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं और चुनाव के नतीजे आने के बाद 40 विधायक उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में हुई लूट खसूट को लेकर मुख्यमंत्रियों तक को जेल में जाना पड़ेगा। For advertisements in Channel 1, please contact on 700-6444-869.